एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें रिप्लेसमेंट का इशू है कि आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट हैं। तो इस फॉर्म में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आप फ्री हैं कि आप किसी भी तरफ किसी एक तरफ अपने प्लस माइनस के साइन को रिप्लेस कर लें, चाहे आप इस साइड पर लगा लें चाहे आप इस साइड पर लगा दें। अगर आप इस साइड पर लगाते हैं तो ये फिर बन जाता है प्लस माइनस, एब्सोल्यूट का साइन तो आप एलिमिनेट हो गया क्योंकि आपने प्लस माइनस को रिप्लेस जो कर दिया, 3 + 2x = 2, और इसको भी ब्रैकेट में ले दे 6x - 7। लेकिन एक साइड पे आपने लगाना है, दोनों साइड्स पे आप नहीं लगाएंगे। ये इसका एक छोटा सा नया एक मेथड है जो आपने याद रखना है। बाकी क्वेश्चन आप उसे एज इट इज़ ही आप सोल्यूशन इसका करेंगे। इसको आप प्लस की फॉर्म में पहले लिखेंगे तो ये हुआ प्लस है तो यही आ जाएगी वैल्यू 3 + 2x = 6x - 7, और अगर माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले माइनस से आप रिप्लेस करें, माइनस अभी रहने जैसे 3 + 2x = 6x - 7। तो ये आ गया। आगे आप उसी तरह x की वैल्यू को कंबाइन कर लेते हैं, इधर x को इधर रिप्लेस कर लेते हैं और इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो गया 2x - 6x = -7 - 3, 2x - 6x = -4x = -10, सो x = -10/-4 एंड अल्टीमेटली x = -, कैंसिल, 2 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो 5 × 2 = 5 × 10 = 2 × 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। माइनस में साइन चेंज होंगे, -3 - 2x = 6x - 7, फिर अगेन बाय कंबाइनिंग x एंड रियल नंबर्स वी हैव -2x - 6x = -7, तो ऑलरेडी हमारे पास है राइट साइड पे। अब -3 को राइट साइड पे आप थोड़ा ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये +3 हो जाएगा। -2x - 6x = -8x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाती हैं और ये -4 हो जाएगा। कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, सो x = -4/-8 एंड x = 4 के टेबल में दोनों कैंसिल हो रही हैं, दोनों के नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x का आंसर 5/2 और 1/2 आ गया। अब रह जाता है चेक मेथड, तो चेक मेथड मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आपने मुझे करके दिखाना होगा कि क्या ये वैल्यू करेक्ट हमारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं या फिर एक्सट्रेनियस हैं। तो आपने चेक मेथड खुद से करना है और मुझे बताना है कि एक्सट्रेनियस हुआ या नहीं हुआ।